हेलो गाइस, और कैसे हैं आप सब। मैंने अमेजोन से एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मंगाया है। आप कह लीजिए मैं क्रेजी हूँ उन चीज़ों के लिए। मिरर, मिनीशो के मिरर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एकदम मस्त कह सकते हैं आप। मेरे पास कई मिनीशो के मिरर हैं, तो मैंने ये काफ़ी, मतलब मेरे को मिल नहीं रहा था, या तो कह लीजिए थोड़ा एक्सपेंसिव दे रहे थे, लेकिन अब ये 500 रुपीज़ जो कि इनका MRP है मिनीशो का, उस रेट पे ये मेरे को अमेजोन से मिल रहा था, तो मैंने फटाफट ग्रैब कर लिया है। काफ़ी अच्छा है, डबल साइडेड मिरर है, यानी कि जो आई मेकअप है वो उसमें मतलब हेल्प मिल जाती है थोड़ी। मुझे अच्छे लगते हैं मिरर ख़रीदना, पता नहीं क्यों मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये इसकी बाहर की पैकेजिंग है, 500 रुपीज़ का है, ये अमेजोन से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं लास्ट में डाल दूंगी। आप नॉन रिटर्नेबल है ये प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा, लेकिन इसकी पैकेजिंग अच्छी तरह से करके दी है, तो मेरे को सही सलामत ये रिसीव हो गया था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसा। डबल साइडेड है, डबल साइडेड मिरर हैं ये, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मिनीशो के मिरर की क्वालिटी, सभी मिरर जितने भी मिनीशो के मिरर हैं सबकी क्वालिटी ज़बरदस्त है। ये इस तरह से है, और ये इसका बेस है, और ये इसको इस तरह से ऐसे कर लेते हैं। 6 इंच का है ये मिरर, और ये काफ़ी अच्छा, मतलब इसका जो ये बेस काफ़ी भारी है, जिस कारण ये अच्छी तरह से टेबल पर रखा जाता, मतलब हिलता नहीं है अपनी जगह से। और आपको नॉर्मल देखना है या 2x देखना है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पर एक इसकी गड़बड़ इसके साथ ये मेड इन चाइना है। मेड इन चाइना इस पर मिरर पर लिखा है, ये पहले उस पर पता नहीं था मेरे को मेड इन चाइना है, पर ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। 500 रुपीज़ का है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, काफ़ी आईज़ के मेकअप के लिए काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा 2 फीट की दूरी पर यदि आप इसको रख के आई मेकअप करेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको एकदम पास करके मिरर ला कर आईज़ मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 500 रुपीज़ का है, अमेजोन से लिया है, अनबॉक्सिंग मैं लास्ट में डाल दूँगी। मैं आपको मिनीशो के और मिरर भी दिखाऊं, वे भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं। ये मैंने मिनीशो के उसी से लिया था, मिनीशो से ही लिया था, मतलब डायरेक्ट मिनीशो से ही लिया था। ये इसकी बाहर की पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड का है ये, और ये 250 रुपये का है, 250 रुपीज़ का है ये, मिनीशो का है ये। मैं वहीं पर मिनीशो के स्टोर पर गई थी तब मेरे को मिला था, लेकिन वो जो मैंने फर्स्ट आपको दिखाया वो मुझे किसी भी स्टोर पर नहीं मिला था, ना पैसिफिक मॉल में जो मिनीशो का स्टोर है ना वहाँ मिला था, ना जनकपुरी के मिनीशो के स्टोर में मिला था, ये वाला मिला था। 250 रुपये का है ये, ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये सिंपल है। नॉर्मल मिरर जो होता है इसको इस तरह से इसमें फिक्स कर देते हैं ऐसे, और इसको ऐसे टेबल पर रख देते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। 250 रुपये का है ये, मिरर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मिनीशो के सभी मिरर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कार्डबोर्ड का है ये, और इस तरह से ऐसे, और इसको आप ट्रैवलर के लिए भी इजी है, इस तरह से निकाल के आप ले जाओगे तो बड़ी आसानी से आपके साथ चला जाएगा ये, और इस तरह से लगाकर आप इसको टेबल पे भी रख सकते हैं। नॉर्मल है ये मिरर, सिंपल जो होते हैं, 250 रुपये का है। चलिए तो दूसरा मिरर दिखाती हूँ, मतलब तीसरा मिरर दिखाती हूँ मिनीशो का। तीसरा ये मिरर है मिनीशो का, 200 रुपये का है ये। ये मेरे को मिला था, तो ये 200 रुपीज़ का है, मिनीशो का ही मिरर है ये, मिनीशो के स्टोर से लिया था मैंने, पैसिफिक मॉल में जो मिनीशो का स्टोर, पैसिफिक मॉल दिल्ली में है, मिनीशो स्टोर है उसके अंदर पैसिफिक मॉल में, तो वहाँ से 200 रुपीज़ का ये मैंने लिया था। आप इसको ऐसे रख सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली है ये, मतलब आप कहीं यात्रा कर रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, मेज पर काफ़ी, टेबल पर काफ़ी अच्छी तरह से रख सकते हैं, का वो नहीं है। बेस देखिए कितना सही है इसका, पेपर बेस्ड डिजाइन है इसका, और फोल्डेड मिरर कह सकते हैं इसको,
ले जाने में भी कहीं भी ले जा सकते हैं, बड़े आसानी से चला जाएगा। और इस तरह से आप रख के इसको मेकअप कर सकते हैं। नॉर्मल मिरर है ये, और इस तरह से आप ऐसे करके और ऐसे फोल्ड करके इसको अपने साथ कहीं भी यदि घूमने जा रहे हो तो भी आप ले जा सकते हैं। 200 रुपये का है ये, काफ़ी अच्छा है ये। देखें इस तरह से ऐसे करा, ऐसे खोला और ऐसे किया, है ना सही। अब मैं आपको फोर्थ मिरर दिखाती हूँ मिनीशो का, काफ़ी अच्छा है वो भी। तो फोर्थ ये है मिरर, ये 250 रुपये का है, नॉर्मल मिरर है, हैंड हेल्ड मिरर कहते हैं इसको। और इस तरह से इसका ये पीछे का काफ़ी अच्छा है, मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पकड़ने में एकदम पूरा देखे कितना अच्छा है ये। ये 250 रुपये का मिरर है, छोटा सा है पर 250 का है, लेकिन इसकी ये जो है चारों तरफ का काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और आप इसको पकड़ के इस तरह से आप मेकअप भी कर सकते हैं, साथ में ले जा सकते हैं यदि आप कहीं घूमने जा रहे हो, साथ में अपने पर्स में रख कर भी ले जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, 250 रुपये का है ये, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए अब हम एक मिरर और है मेरे पास, लेकिन वो मिनीशो का नहीं है, लेकिन मैं आपको सोच रही हूँ कि दिखाऊँ ज़रूर, क्योंकि ये मेरा मिरर का कलेक्शन है। तो ये मेरा फिफ्थ मिरर है और फर्स्ट मिरर भी कह सकते हैं ये मेरा। सबसे पहले मैंने इसी को ही परचेज़ किया था, डबल साइडेड है ये, और इस तरह से ये टेबल पर रख सकते हैं इसको। एक तरफ नॉर्मल है, दूसरी तरफ 2x है, मतलब डबल साइडेड है ये मिरर। और इस तरह से हम इसको टेबल पर रख के कर सकते हैं, दोनों साइड का है ये डबल साइडेड। और इस तरह से हम इसको पकड़ के अपना मेकअप भी कर सकते हैं पास का, और इस तरह से रख के हम इसको टेबल पर रख कर मेकअप कर सकते हैं। तो हाथ से भी पकड़ के कर सकते हैं, हाथ में भी, और इसको टेबल पर। और ये 200 रुपये का नहीं, 200 का नहीं, 300 रुपये का है ये, और मेरा फर्स्ट मिरर था ये, 300 रुपये का, लोकल उससे लिया था मैंने मार्केट से ये। और कंपनी का है ये, स्कैरलेट का, स्कैरलेट कंपनी का है, और 300 रुपीज़ का है ये, डबल साइडेड है, यस डबल साइडेड मिरर है। और ये हैंड हाथ में पकड़ के कर सकते हो, मेज पे भी रख सकते हैं। तो गाइस अनबॉक्सिंग में जो मैंने पहला मेरा मिरर था मिनीशो का, वो मैंने 500 रुपीज़ का, सबके रेट मैंने आपको बता दिए हैं। आप मिनीशो के मिरर बहुत, मतलब एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अनबॉक्सिंग लास्ट में दे दिया, बहुत अच्छी तरह से पैकेज करके, वे बहुत अच्छी तरह से पैकिंग करके भेजते हैं। और एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मिनीशो के मिरर बेस्ट हैं, अच्छे लगते हैं, मतलब हाथ में पकड़ लेते हुए मतलब थोड़े से स्टाइलिश लगते हैं, मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश अच्छी लगती हैं चीज़ें, तो इसलिए मैं परचेज करती हूँ, मुझे शौक़ भी है मिरर ख़रीदने का। तो ये मेरा मिरर का कलेक्शन था, मेरे पास एक दो मिरर और थे लेकिन वे नीचे गिरने से टूट गए हैं। मिनीशो के ही मिरर थे, वो भी 250 रुपये का था, छोटा सा, मतलब बहुत क्यूट सा था, प्यारा सा ग्रीन कलर का, वो टूट गया मेरे हाथ से गिर के। लेकिन मैं उसको दोबारा परचेज करना चाहूँगी, लेकिन वो मुझे अभी तक किसी भी स्टोर पे नहीं मिला है, लेकिन इसी स्टोर पे मुझे मिलेगा तो मैं उसे ज़रूर परचेज करूँगी। छोटा है वो मेरा, 250 रुपये का था वो, और डबल साइडेड था और बंद भी हो जाता था, मतलब क्लच जैसा उसका वो था, पैकेजिंग काफ़ी अच्छा था। तो चेक, ये मिरर मैंने मिनीशो से नहीं लिया था, ये मैंने नायका से लिया था, बियर एशियन सिल्क का मिरर है ये भी डबल साइडेड मिरर है, मतलब एक तरफ 1 विद नॉर्मल एंड अदर विद 2x मैग्नीफिकेशन है, मतलब 2 साइड बोथ मिरर प्रोवाइड है क्लैरिटी। 160 रुपीज़ का है ये, पर इसके अंदर वो बात नहीं है। देखिए इस तरह से यदि हम इसको इससे पकड़ेंगे तो इस तरह से ये, मतलब इस तरह से फर्म नहीं है, ये खड़ा नहीं होता इस तरह से, ये ऐसा हो जाएगा, तो इसका तो फिर यूज़ ही नहीं है ना कोई इसको पकड़ने का। तो जो बात मुझे मिनीशो के मिरर में लगती है वो मुझे और किसी मिरर में नहीं लगी, मुझे बेस्ट क्वालिटी के मिनीशो के मिरर ही लगते हैं। और अभी जितने भी वाला मुझे मिलेंगे मैं अपने पास ले आऊँगी, मुझे शौक है। एंड ये भी मिनीशो का मिरर नहीं है, ये जब का है, मैं मिनीशो पर नहीं जाती थी, ये लोकल मार्केट का है, सिंपल मिरर है, सस्ता मिरर है, लेकिन ये बैग में पड़ा रहता है तो सही रहता है, मतलब थोड़ा सा अच्छा सा लुक है, ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं है ये, फिर भी चलो ठीक है, मेरा फर्स्ट मिरर था ये शायद, या सेकंड होगा ये। मिनीशो के पास चल रही थी तो मिरर तो है नहीं, ख़त्म हो चुके हैं मतलब दिखाने। तो मिनीशो के पास चल रही थी तो मैंने सोचा मिनीशो का हेयर बैंड भी आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का, शायद 150 रुपीज़ का है ये मिनीशो का मिरर ये। यस ये
हाँ 150 रुपीज़ का है, बहुत ही अच्छा है ये। इसका जो इलास्टिक है वो भी बहुत अच्छा है, मैं खोल कर दिखा देती हूँ आपको। मेरा नहीं है लेकिन मिनीशो का है ये प्रोडक्ट, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, आपने मुझे ये वीडियो में भी पहने देखा होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा मिनीशो के, मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगे, और भी मेरे पास बहुत हैं फ़िलहाल, लेकिन वीडियो और लंबी हो जाएगी तो इसलिए आज सिर्फ इतना ही काफ़ी है। चलिए मेरा का कलेक्शन था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय गाइज़।